हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ तो मिला। दोस्तों, चार धाम यात्रा से बहुत ही दुखद खबर आई है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बहुत ही बड़ा बस एक्सीडेंट हुआ है। बस में सवार 30 में से 26 की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, इसके विषय में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि ये सभी यात्री कहाँ के थे और कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे और किस जगह पर ये एक दुर्घटना हुई है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ तो मिला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आल को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा रिखाऊ खड्ड के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर एक बस खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में 30 लोग सवार थे। अभी तक 26 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और 4 यात्री घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। उन्होंने घायलों के समुचित उपचार के व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी देहरादून पहुंच गए हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। बस नंबर UK 041541 हरिद्वार से चली थी। ड्राइवर और कंडक्टर की सीट को छोड़कर बस में 28 यात्री बैठ सकते थे। सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। थानाध्यक्ष पुरोला अशोक कुमार जी ने बताया कि 26 चारधाम यात्रियों से भरी बस रविवार शाम 7 बजे 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हैं। इनमें से 23 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 3 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। बस में चालक और परिचालक मध्य प्रदेश के जिला पन्ना के गाँव जखला निवासी 28 तीर्थयात्री सवार थे। यह हादसा यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से करीब 5 किलोमीटर दूर रिखाऊ खड्ड क्षेत्र में हुआ। बस हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए चली थी। इस हादसे पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान जी सभी ने अपना शोक व्यक्त किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए बस हादसे में पन्ना जिले के मोहंद्रा गांव के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। साटा बुद्ध सिंह गांव के 8 तीर्थयात्रियों की भी मौत हुई है। घटना के बाद रात में ही पन्ना के जिलाधिकारी ने पीड़ितों के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। CM शिवराज सिंह ने भी परिजनों से फोन पर बात की। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कुछ तो मिले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।